हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 से लेकर के 10 साल तक के बच्चे का हाफ स्वेटर बनाया हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको मेजरमेंट बताने वाली हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, इस हाफ स्वेटर को बनाने के लिए बॉर्डर में मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज किया है। ऊपर का पोर्शन मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्वेटर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका मैं मेजरमेंट बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 85 फंदे डाले हुए हैं नीचे बॉर्डर में। 10 नंबर की सिलाई से मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। डिजाइनर फंदे की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। 1.5 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। ये अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप बॉर्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फ्रेंड, 1.5 इंच बॉर्डर बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे 90 फंदे हो गए हैं। उसके बाद 90 फंदों को मैं आगे तक बुनती गई हूँ। बॉर्डर से लेकर के आर्म होल तक मैंने 15 इंच बना लिया है। 15 इंच बुनने के बाद आर्म होल की हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे अब हमारे 90 फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे 4-2-1 की कटिंग करनी है। इधर भी हमने 4-2-1 की कटिंग करनी है। तो 7 फंदे हमारे इधर कम हो जाएंगे और 7 फंदे हमारे इधर कम हो जाएंगे। तो टोटल 14 फंदे हमारे कम हो गए। तो 90 में से 14 फंदे हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे बचे 76 फंदे। 76 फंदों को मैं आगे तक बुनती गई हूँ। यहाँ पे आर्म होल की लेंथ मैंने 8 इंच रखनी है। जब मैंने 7 इंच तक बुन लिया, जब मेरा 1 इंच रह गया था, उसके बाद मैंने नेक की कटिंग करी है। अब यहाँ पे नेक की कटिंग को कैसे करना है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है। जितने भी फंदे आपके पास होंगे उसका आपने हाफ कर देना है। तो 76 फंदे थे, उसका मैंने हाफ कर दिया। 38 फंदे मेरे सिलाई में है और इधर के 38 फंदों को मैंने इधर छोड़ देना। इधर के फंदों को अभी हमने कुछ नहीं करना है। अब ये 38 फंदे हैं। पहले से हमने डिसाइड करना होता है कि शोल्डर पे हमने कितने फंदे रखने हैं। यहाँ पे मैंने 24 फंदे रखने हैं और यहाँ तक हमारे 38 फंदे हैं। ये मैंने आधा पोर्शन लिया हुआ है। यहाँ तक हमारे 38 फंदे हैं। 24 फंदे मैंने यहाँ पे रखने हैं शोल्डर पे। अब 7 फंदे मैंने गोलाई देने के लिए रखने हैं। जैसे आर्म होल के हमने यहाँ पे गोलाई दी है 4-2-1 करके, यानी 7 फंदे हमने गोलाई देने के लिए रखने हैं। 24 में अब 7 हम और ऐड कर देंगे तो 31 फंदे हो गए। 31 फंदे हम सिलाई पे रखेंगे। तो बाकी के फंदे हमारे 7 बचे। तो 7 फंदे हमने एक एक करके 7 फंदे बंद कर देने हैं। तो अब यहाँ पे निडिल पे मेरे 31 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 फंदे बंद कर दिए हैं, एक एक करके 7 फंदे बंद कर दिए। फिर पूरी रो को मैंने सीधा बुना है। फिर बैक साइड की पूरी रो को मैंने उल्टा बुना है। उसके बाद जब हम सीधी साइड में आएंगे तो फिर हमने 4 फंदे घटाने हैं, जैसे कि हमने आर्म होल में किया था। फिर पूरी रो को सीधा बुनेंगे। फिर बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनते हुए आएंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। जब सीधी साइड में आएंगे तो हमने 2 फंदे घटाने हैं। फिर पूरी रो को सीधा बुनेंगे। फिर बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनेंगे और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। फिर जब हम सीधी साइड में आएंगे तो 2 फंदों का एक कर देंगे। पूरी रो को हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ पे हमारी 4-2-1 की कटिंग हो गई। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी गोलाई अच्छे से बन के आ जाती है। तो इधर का आधा पोर्शन हमारा बन गया है। अब इधर के हमने नेक की कटिंग करनी है। फ़र्क कितना होता है कि इधर की जब हम नेक की कटिंग करते हैं तो हम सीधी साइड से करते हैं, और इधर की साइड की जब हम कटिंग करेंगे तो तब हमने बैक साइड से करनी है। बैक साइड में भी हमने सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जब हम बैक साइड में डिक्रीजिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने दूसरा धागा अटैच करना है। उसके बाद बैक साइड में हमने एक एक करके 7 फंदे घटा देने हैं। फिर पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। और जब हम सीधी साइड में आएंगे तो पूरी रो को सीधा बुनेंगे। जब हम बैक साइड में आएंगे तो फिर हमने 4 फंदे घटाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था गोलाई देने के लिए। तो 4 फंदे घटा देंगे, फिर पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो पूरी रो को हमने सीधा बुनना है, लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। फिर हम उल्टी साइड में आएंगे, फिर हम 2 फंदे घटा देंगे, फिर पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। फिर सीधी साइड में आएंगे, पूरी रो को सीधा बुनेंगे और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। फिर हम बैक साइड में आ जाएंगे उल्टी साइड में। फिर हमने 2 फंदों का एक करना है, यानी एक फंदा हमने घटाना है। फिर पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, इधर भी हमने गोलाई देने के लिए 4-2-1 की कटिंग करी है बैक साइड से। तो यहाँ पे बैक नेक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। जब भी हम हाफ स्वेटर बनाते हैं, बैक पार्ट और फ्रंट भाग आर्म होल तक हमारा सेम होता है। यहाँ तक हमारा कोई चेंज नहीं आता है।
लेकिन यहाँ पे मैंने 85 फंदे डाले थे, यहाँ पे 6 फंदे बढ़ा दिए हैं, जबकि बैक पार्ट में मैंने 5 फंदे बढ़ाए थे, एक फंदा मैंने इधर एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि एक फंदा मैंने ये चेन के लिए मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, ये जो वी नेक की चेन बनाएंगे इसके लिए मुझे एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया है। बैक पार्ट की तरह बॉर्डर से लेकर के आर्म होल तक मैंने 15 इंच बुन लिया है। इधर भी आर्म होल के लिए हमने 4-2-1 की कटिंग करनी है, इधर भी हम आर्म होल के लिए 4-2-1 की कटिंग करेंगे। फ्रंट जब भी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो राइट साइड की कटिंग हमारी सीधी साइड में होती है और लेफ्ट साइड की कटिंग हमारी बैक साइड में होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जब हम इधर से हमने 4 फंदे घटा दिए सीधी साइड में आर्म होल की कटिंग के लिए, फिर पूरी रो को हमने सीधा बुना, फिर बैक साइड में आकर हमने आर्म होल की कटिंग के लिए 4 फंदे घटा दिए, फिर पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुना है। अब जितने भी हमारे यहाँ पे फंदे होंगे उसका हमने हाफ करना है। 4 फंदे हमारे इधर घट गए हैं, 4 फंदे इधर घट गए हैं, टोटल 8 फंदे हमारे घट चुके हैं, तो टोटल ये 91 फंदे थे, जिसमें कि 8 फंदे हमारे लेस हो गए, तो यहाँ पे हमारे 83 फंदे बच गए। एक फंदा हम चेन के लिए रखेंगे तो बचे हमारे 82 फंदों को हमने हाफ करना है, तो 41 फंदे हमारे इधर हैं, 41 फंदे हमारे इधर हैं, एक फंदा हमने चेन के लिए रखना है। इसको आप पिन में रख लीजिए या किसी धागे में लगा लीजिए। अब यहाँ पे हमारे शोल्डर डिवाइड हो गए हैं, पहले हमने एक पोर्शन बनाना है, उसके बाद दूसरा पोर्शन बाद में बनाएंगे, ये आपकी मर्जी, कोई भी पोर्शन पहले बना सकते हैं। तो पहले मैं इधर का पोर्शन बनाऊंगी। अब यहाँ से हमारे नेक की कटिंग भी होगी और आर्म होल की कटिंग भी होगी। 4 फंदे हम पहले घटा चुके हैं, अब हम सीधी साइड में आ गए हैं, अब हमने 2 फंदे घटाने हैं आर्म होल की तरफ से, उसके बाद पूरी रो को सीधा बुनेंगे। जब 2 फंदे रह जाएंगे तो 2 फंदों को हमने एक कर देना है सीधा बुनते हुए, तो एक फंदा हमारा गले की तरफ से घट गया है, फिर पूरी रो को हम बैक साइड में उल्टा बुनेंगे। फिर जब सीधी साइड में आएंगे आर्म होल की कटिंग करेंगे, यानी 2 फंदों का एक करना है, एक फंदा यहाँ पे हम घटाएंगे, तो इधर की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है 4-2-1 करके। अब पूरी रो को हमने सीधा बुनना है, जब लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे तो 2 फंदों का एक कर देंगे सीधी तरफ से, तो यहाँ पे हमने लगातार एक एक फंदा घटाया है 2 बार में। फिर बैक साइड की पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड में पूरी रो को सीधा बुनेंगे, फिर बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे यानी चौथी रो में, तो फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है, तो चौथी रो में हमने फंदा घटाना है यानी 2 फंदों का एक करना है। हमने तब तक घटाते जाना है जब तक कि हमारे यहाँ शोल्डर के लिए 24 फंदे ना रह जाएं। फ्रेंड्स, यदि आपको जितने फंदे कंधे पे चाहिए अगर वो पहले घट जाते हैं और आपके आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने फिर फंदे नहीं घटाने हैं नेक की तरफ से, उन्हीं फंदों को लेकर के आगे तक बुनते जाना है, तब तक बुनते जाएंगे जब तक कि हमारी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। सेम इस तरीके से इधर का पार्ट भी बनाएंगे हम, यहाँ पे हम धागा अटैच करेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे नेक की तरफ से, फिर पूरी रो को हमने सीधा बुनना है। जब हम बैक साइड में आएंगे तो हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, 4 फंदे हम पहले घटा चुके हैं, फिर बैक साइड में हमने 2 फंदे घटाने हैं, पूरी रो को हमने उल्टा बुनना है। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है, लगातार हम 2 बार फंदे घटाएंगे एक एक करके, फिर पूरी रो को हम सीधा बुनेंगे। फिर बैक साइड में आएंगे तो फिर हमने एक फंदा घटाना है आर्म होल के लिए, इधर भी हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है 4-2-1 करके। अब हमने आर्म होल की तरफ से कोई फंदा नहीं घटाना है, अब हमारी जो डिक्रीजिंग होगी सिर्फ नेक की तरफ से होगी। पूरी रो को हमने उल्टा बुनना है, वो हमारी फर्स्ट होगी, जब सीधी साइड में आएंगे तो वो हमारी सेकंड होगी, जब उल्टी साइड में आएंगे तो वो हमारी थर्ड होगी, जब हम सीधी साइड में आएंगे तो ये हमारी फोर्थ रो होगी। फोर्थ रो जब हमारी आएगी तो हमने फिर से 2 फंदों का एक करना है, यानी हर चौथी लाइन पे हमने 2 फंदों का एक करते जाना है, तब तक हम घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे यहाँ पे 24 फंदे नहीं रह जाते। तो यहाँ पे शोल्डर पे मेरे 24 फंदे हैं, इधर भी 24 फंदे हैं। फ्रंट दोनों तरफ हमारे फंदे बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट भाग के नेक की कटिंग हो गई है। अब आते हैं बॉर्डर की बात करते हैं। ये हमारे गले का बॉर्डर है। फ्रेंड्स, इस गले का बॉर्डर मैंने 2 सिलाइयों से बनाया है, यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर का शोल्डर मैंने सिलाइयों से जोड़ लिया है और इधर का शोल्डर मैंने ओपन रखा है। जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे सिलाइयों से जोड़ दूँगी। इधर वाला पोर्शन हमारा ओपन था, तो यहाँ से मैंने फंदे उठाना शुरू करे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ चेन तक मैंने 46 फंदे उठाए हैं, उतने ही फंदे मैंने यहाँ से लेकर के इस शोल्डर तक मैंने 46 फंदे उठाए हैं। जितने फंदे हमने इधर उठाने होते हैं सेम उतने ही फंदे हमने इधर उठाने होते हैं।
ऐसा नहीं है कि इधर कम हो जाए इधर ज़्यादा हो जाए, दोनों तरफ हमारे फंदे बराबर होने चाहिए। और बैक साइड में मैंने 36 फंदे उठाए हैं। फंदे उठाने के बाद फिर मैंने बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया है, दो सिलाइयों से मैंने बॉर्डर बनाया है। तो ये अपने हिसाब से आप 6-7 सिलाई 8 सिलाई हैं, जितना बॉर्डर आपको चौड़ा चाहिए उतना आप बना लीजिए। तो मैंने बॉर्डर बनाने के बाद सभी फंदों को एक साथ बंद कर दिया है। बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाइयों से जोड़ दिया शोल्डर को। उसके बाद ये जो बॉर्डर वाला जॉइंट था इसको मैंने अंदर की तरफ से सुई से सिल दिया है। तो इस तरीके से दो सिलाइयों में बॉर्डर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आर्म होल के बॉर्डर की तरफ। यहाँ से लेकर के जॉइंट तक मैंने 46 फंदे उठाए हैं, उतने ही फंदे मैंने इधर उठाए हैं, 46 फंदे। तो टोटल ये मेरे पूरे आर्म होल पे 92 फंदे हैं। उसके बाद 6-7 लाइनों को मैंने बॉर्डर बना के सभी फंदों को बंद कर दिया है। सेम इसी तरीके से इधर का भी बॉर्डर मैंने बनाया है। बॉर्डर से लेकर कंधे तक हमारी 22 इंच लेंथ है और चौड़ाई हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 इंच है, 16 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा स्वेटर बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन डाला हुआ है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन की वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डॉट्स वाला पैटर्न है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।